रिव्यू उठो, दादे उठो, रिव्यू चलो बेटा सुसु कर लो, आओ उठो आज है, चलो आज 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 सो के उठेंगे, पहले सुसु करेंगे, चलो उठो आओ आओ आजा 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 आजा, फिर देखो ये सोफा गंदा हो जाएगा ना, सोफा गंदा हो जाएगा, आओ आज मेरे बेटू, आजा 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 आज आज चैनल गो मॉम एंड डैड, और आप सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। शी इज अविष्का, शी इज सेइंग हाय टू एवरीबॉडी। सुजु अविष्का से हाय टू एवरीबॉडी। दोस्तों आज का जो मेरा ब्लॉग है वो पी ट्रेनिंग या फिर सुसु ट्रेनिंग के ऊपर है। इसके पहले भी मैं एक ब्लॉग बना चुकी हूँ पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ब्लॉग पूरा देखें, एंड तक देखें, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम पेरेंट्स तक पहुँच सके। ये जो ब्लॉग है ये पूरा टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरे दो बच्चे हैं दोनों के साथ, एक की पीपी ट्रेनिंग हो चुकी है जो कि 6 साल की है, और वो कभी भी बेड में सुसु नहीं करती है, रात में भी उठ के बाथरूम में जाती है। और दूसरी बेटी मेरी 2 साल की है, उसको मैं पीपी ट्रेनिंग दे रही हूँ और पॉटी ट्रेनिंग दे रही हूँ। वैसे तो पॉटी ट्रेनिंग या पी ट्रेनिंग स्टार्ट करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप बच्चे के स्कूल जाने से पहले इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आजकल जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स आपसे पूछेंगे कि क्या आपने अपने बच्चे को पी ट्रेनिंग पॉटी ट्रेनिंग करा रखी है। स्कूल जनरली प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स ये सारा होमवर्क करके आएगा। बेबीज़ होते हैं, सबसे पहले मैं न्यू मदर्स को ये सलाह दूँगी कि जब बच्चा होता है हॉस्पिटल में तो डोंट हेजिटेट और डोंट फील शाई या कि परेशान ना होए। आप वहाँ की नर्सेज और डॉक्टर्स से पूरी हेल्प लें। घर आने से पहले आप डॉक्टर्स और नर्सेज से समझ लें कि मैं बच्चे को कैसे होल्ड करूं, मैं बच्चे को कैसे सुसु कराऊं, मैं उसको डायपर कैसे पहनाऊं, मैं उसको डायपर के बाद उसकी क्लीनिंग कैसे करूं, मैं उसकी बाथिंग कैसे करूं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहाँ पर टू न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनका इट माइट साउंड फनी फॉर यू, पर आपका बच्चा जब है तो आपका बच्चा कितनी बार पॉटी कर रहा है, कितनी बार पी कर रहा है, आप कोशिश करिए कि एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि मेरे बच्चे ने, आप डेट डालिए आज की डेट, बच्चे ने पॉटी की उसका टाइम लिखिए, फिर बच्चे ने पी करी उसका टाइम लिखिए। इससे क्या होगा कि आप हंसी मत, ये कोई फ़नी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। उससे क्या होगा, 7-8 डेज़ में आपके बच्चे का जो साइकिल है, जो क्लॉक है उसकी, वो आपको पता चल जाएगी। जब 7-8 दिन बाद आपको उसका साइकिल समझ में आ जाएगा। इसी तरह आप उसको जितनी बार फीड कराएं वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कितनी देर में भूखा होता है। कई मदर्स की प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता नहीं चलता कि बच्चे को भूख लगी है कि बच्चे को प्यास लगी है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यू मदर्स होती, तो आप नोट कर लीजिए कि आपने उसको फीड कराया कितने बजे कराया, कितने मिनट कराया। उसके बाद 7-8 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बेबी कितने मिनट फीड ले रहा है और कितने उसका ड्यूरेशन क्या है उसका भूख लगने का, हंगर प्राइंग्स का, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और 15-20 डेज़ में कि आप भी ट्यून हो जाएंगे कि आपको पूरा उसका खाने पीने का और जो भी उसका सिस्टम है वो 7-8 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। 7-8 दिन बाद आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि सवाल आता है कि हम बच्चे को डाइपर पहनाएं, आप क्या करिए, ये मेरा सजेशन है, आप क्या करिए, डे टाइम में बच्चे को क्लॉथ नैपीज में या फिर जो कि वॉशेबल डाइपर्स आते हैं उसमें रखिए। न्यू बॉर्न बेबी से ही मैं बोल रही हूँ स्टार्ट करने के लिए, न्यू बॉर्न बेबी से आप स्टार्ट करिए, क्लॉथ डाइपर्स में उसमें रखिए। नाइट के लिए आप
पैम्पर्स या फिर पोगो पैंट्स का इस्तेमाल करिए, उससे क्या होगा, पॉइंट नंबर वन, जब बच्चा सूसू करेगा उसको वेटनेस फील होगी, वो जागेगा, जैसे ही वो जागेगा थोड़ी देर वो खेलेगा उसके बाद वो सोएगा, उससे क्या होगा कि उसका जो रूटीन होता है, बच्चों को कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा रात में नहीं सोता, मेरा बच्चा रात में नहीं सोता, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो बच्चा रात में इसलिए नहीं सोता क्योंकि वो दिन में सो लेता है। वो हेल्पफुल होगा कि आपको उसका साइकिल, क्लॉक साइकिल चेंज करने में आपको उसकी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप पैम्पर्स पैंट का न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी इस्तेमाल मत करिए डे में, क्लॉथ पैंट्स का इस्तेमाल कीजिए। बस प्रॉब्लम यही होगी कि पैंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, आपको सिर्फ धोना पड़ेगा, पर थोड़े दिन बाद जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका बेटा बच्चा 2 घंटे में सूसू करता है, 3 घंटे में सूसू करता है, उसके टाइम के पहले ही आप उसको करा देंगे जाके, तो क्या होगा कि आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। ये 1 ईयर के बच्चे से, अगर 1 ईयर पे आप पी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप विंटर्स में पी ट्रेनिंग स्टार्ट मत करिए। पी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय समर्स होता है, उसके 2-3 कारण है। समर्स में बच्चे के कपड़े हम कंटिन्यूस चेंज करेंगे तो भी उसको ठंड नहीं लगती। दूसरा, समर्स में बच्चा पानी पीता है तो फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करता है, तो आपको उसको पी ट्रेनिंग देने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि बच्चा बार बार भींगेगा तो भी वो, उसको सर्दी नहीं लगेगी, वो बीमार नहीं पड़ेगा। पी ट्रेनिंग, बॉयज़ की पी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से होगी और गर्ल्स की पी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से होगी। बॉयज़ के लिए आपको उनको खड़े होके ही पी करानी है क्योंकि वो उनको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, और गर्ल्स को आप बैठा के पी करा सकते हैं। इसके कई, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से इसके लिए प्रोडक्ट्स खरीदें या फिर इक्विपमेंट्स खरीदें, इट्स ऑल योर विश। और बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे आते हैं, छोटे यूरिनल मिलते हैं जो कि आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं, और हर 2 घंटे में उनको ले जाके उसमें इंकरेज करिए कि नहीं तुमको सूसू करना है, तुमको सूसू करना है। स्टार्टिंग में बच्चे क्रैंकी होते हैं पर ग्रेजुअली उनको समझ में आ जाता है कि मुझे हर थोड़ी देर में जाके उसमें करनी है। सिमिलरली विद गर्ल्स को बैठ के करना है। डे की पी ट्रेनिंग और नाइट की पी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है। मैं 1 ईयर के बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर आप दोनों ट्रेनिंग्स एक साथ स्टार्ट मत करिए, डे और नाइट कंबाइन मत करिए, बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। आप क्या करिए, पहले डे की ट्रेनिंग स्टार्ट करिए जिस टाइम बच्चा एक्टिव होता है। नाइट की ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, वो ग्रेजुअली आती है और वो काफ़ी लंबा समय लेती है आने में, क्योंकि वो बच्चा जब गहरी नींद में होता है तो उसको समझना कि अब मुझे कंट्रोल करना है या मुझे उठ के जाना है, वो बहुत मुश्किल है। तो पहले आप स्टार्ट करिए डे ट्रेनिंग से। डे में उसको डायपर मत डालिए, उसको क्लॉथ नैपी या फिर जो वॉशेबल डाइपर्स हैं वो डालिए। उससे क्या होगा, उसको वेटनेस फील होगी, और वो अगर एक्सीडेंट कर भी रहा है तो भी इट इज़ अ बेनिफिट पॉइंट, और एक्सीडेंट कर भी रहा है तो भी उसको पता चलेगा कि नहीं मुझे एक्सीडेंट नहीं करना था, मुझे हर 2 घंटे में तो आपको ले जाना ही है। मेरा एक टिप और है, मॉर्निंग में जब बच्चा सो के उठता है तो 2-3 मिनट या 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, उसके बाद इमीडिएटली उसको कमोड पर ले जाइए, वॉशरूम में ले जाइए, और उसको बोलिए बेटा अब आपको वॉशरूम करना है, आपको सूसू करना है, आपको पॉटी करना है, ये दोनों काम आपको मॉर्निंग में करना है। एक, आप उसको तुरंत पी मॉर्निंग में कराइए, दूसरी पी जब आप आफ्टरनून नैप के लिए बच्चे को ले जाते हैं तो आफ्टरनून नैप से जाने से पहले उसको पी कराइए, आफ्टरनून नैप से उठने के बाद उसको पी कराइए, क्योंकि बच्चा काफ़ी 1-1.5 घंटा सोता है तो उसको सेंसेशन आएगा पी का। तीसरा, जब नाइट में बच्चा सोता है तो उस बेड पे जाने से पहले एक बार उसको पी कराइए। कभी भी आप पी ट्रेनिंग कराएं तो डायपर्स का इस्तेमाल ना करें, डायपर्स बंद कर दें। मे बी अगर आप डे की पी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दें तो डे में डायपर्स बंद करें, नाइट में डायपर डाल दें, क्योंकि दोनों ट्रेनिंग एक साथ मत स्टार्ट करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है वीडियो के, वो सही नहीं रहता। दूसरा, कि एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मुझको पी करने कहाँ जाना है। मैंने कई जगह देखा है कि एक फैंसी सी वो कमोड या फिर हम कमोड ले आते हैं बच्चे के लिए, और बच्चा उसको लेके पूरे घर में घूमता है, उसको जब पी आ रही है या पोटी आ रही है तो वो कमोड को लेके टीवी के सामने बैठा है, टीवी देख रहा है और पोटी कर रहा है, या टीवी देख रहा है या पी कर रहा है, तो ये नहीं करना है आपको। डे वन से ही नहीं करना है, बच्चे को बताना है कि ये जगह है, ये कमोड यहीं पर रखी रहेगी बाथरूम में, ये कमोड ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या टॉय रूम में, प्ले एरिया में नहीं जाएगी, ये मैंने देखा है इसलिए मैं बता। आपको बच्चे को दिन में 3-4 बार बताना भी होगा, उनको रिमाइंड कराते रहना है कि बेटा आपको सुसु जाना है। पहले एक छोटा सा कीवर्ड रखिए,
बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड मत सिखाइए उनको, सिखाना पड़ेगा। जैसे आप उनको सिखाते हैं ना मम्मी पापा पानी ये सब, तो आप एक वर्ड रखिए, पी रखिए, सुसु रखिए, या डिफ़िकल्ट वर्ड मत लीजिए, यूरिन मत लीजिए, वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए बोलना। मैंने अपनी बेटी को सुसु सिखाया है, तो जब भी उसको आती है मैं उसको दिन में 3-4 बार बोलती हूँ, बोलो सुसु आई सुसु आई। तो इस तरह से मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई सुसु आई आएगी, तो आपको बोलना है कि सुसु आएगी कीवर्ड है, आपको ये कीवर्ड जाके मम्मा को बोलना है या डैडा को बोलना है, पर ये कीवर्ड है, आपको जब भी आए आपको होल्ड करके रखना है। उनको ये भी सिखाना है कि आपको होल्ड करके रखना है सुसु, और होल्ड करने के करके रखना है और वेट करना है वहाँ उस जगह तक, उस आपके पॉइंट तक पहुँचने का। बच्चे सिग्नल्स भी देते हैं, मैं 2 ईयर्स के बच्चे की अगर बात करूँ तो मेरी बेटी शांत हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, या फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाती है मुझे। अब तो वो मुझे बताने भी लगी है कि मम्मा सुसु आई। जब वो छोटी थी तब भी वो शांत हो जाती थी। कई बच्चे लाल हो जाते हैं, कई रोने लगते हैं, इस तरह से कई सिग्नल्स देते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो बहुत ईजी होगा। आपको बच्चे को बहुत इंकरेज करना है, जब वो अगर कभी अच्छा काम करता है या फिर पी उसने आपको बताई है जाके, तो मैं क्या करती हूँ, आई गिव अ हाई फाई टू रिविष्का, रिविष्का हाई फाई, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, तुमने मम्मा का काम बचा लिया आज, यू मेड मम्मा वेरी प्राउड, मम्मा इज़ वेरी हैप्पी, और यू आर माई प्रिंसेस। आपको इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके बच्चे को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि ये मोटिवेशन से वो बहुत जल्दी सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे सीख जाते हैं, हम उनको सिखा देते हैं, हम भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, भाई अब तो ये बताने लगी है, मैं भी रिलैक्स हूँ, इसको आ गया। पर क्या होता है, फिर भी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स होंगे होंगे, और ये मतलब एक दो दिन का काम नहीं है। अगर आप कहीं पर लिखा देखें कि मेरा बच्चा 2 दिन में पॉटी करना सीख गया, या मेरा बच्चा 2 दिन में पी करना सीख गया, तो आप उस पर ट्रस्ट मत करिए। बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे भूल भी जाते हैं, खेलते रहेंगे, सीख जाना मतलब उनको समझ में आ गया, पर वो आगे भी गलती करते रहेंगे। उन गलतियों के लिए आपको, आपके घर में डिज़ास्टर ना हो, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। प्रोडक्ट जो आपको ख़रीदना है वो है मैट्रेस प्रोटेक्टर। हमने भी मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखे हैं, हमने अपने घर में 3 बेड्स में मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखे हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल, आपके गद्दे ख़राब नहीं होते जल्दी। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये शीट्स हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी शीट्स, ये बेबीज़ की कंपनी है, और ये काफ़ी सॉफ्ट शीट है, पीछे प्लास्टिक है और आगे फेल्ट जैसे सॉफ्ट कपड़ा है। ये क्या होती है, मशीन में वॉश हो जाती है। दूसरा कि अगर इस पर बच्चा पी कर देता है तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है। तीसरा इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये सॉफ्ट है, बच्चा अगर इस पर सो रहा है तो कम्फर्टेबली सो सकता है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मार्केट में डायपर्स तो आ ही रहे हैं, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो डायपर्स से हम सब वाकिफ़ हैं। मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ ये है वॉशेबल नैपीज़। इसको आप पी ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, आप इसको मंगा लीजिए। पर एक इसमें एक खासियत है कि इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें डुअल फैब्रिक यूज़ हुआ है। डुअल फैब्रिक मतलब इसमें 2 कपड़े यूज़ हुए हैं, ऊपर एक कपड़ा है और नीचे एक कपड़ा है। तो अगर आप इस तरह की नैपीज़ मंगा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो ध्यान रखिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाइए, कम से कम 6 तो मंगा ही लीजिए, क्योंकि ये सूखने में काफ़ी समय लेती हैं। इसमें ऊपर है, ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, और अंदर जो है अंदर सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है, नेचुरल फैब्रिक लगा हुआ है। इससे ये फ़ायदा है कि अगर बच्चा इसमें पी करता है तो पी नीचे गिरेगी नहीं, तो घर गंदा नहीं होता है, और वेटनेस का बच्चे को पता चलता है। जैसे ही बच्चे को लगेगा कि वो वेटनेस है या गीला है, तो वो आपको बताएगा कि मम्मा मैंने पी कर दिया है, मैंने सुसु कर दी है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मैंने ये मंगाया है, और ये मैं अपनी छोटी वाली बेटी जो रीवी है उसकी पी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको मना करूँगी, या फिर आप ख़रीद सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी उतना ज़्यादा, इस तरह की शीट्स आती हैं मार्केट में, ये शीट्स यूज़ करते हैं लोग। इसको क्या करते हैं, बेडशीट के नीचे डालते हैं और इसके ऊपर कपड़ा डाल लेते हैं, या फिर बेडशीट के ऊपर इस पर कपड़ा डाल के इस पर बच्चे को लिटाते हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस तरह की शीट्स पर कपड़ा लगा के बच्चे को मत लेटाइए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है।